हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है सैमसंग M30 जिसका मॉडल नंबर है M30। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं इसका फोल्डर कैसे रिप्लेस किया जाता है, इसका जो कॉम्बो है डिस्प्ले है वो किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है, किस तरीके से चेंज किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है फोल्डर चेंज करते टाइम सैमसंग M30 में। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है दोस्तों, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फोल्डर के रेट से रिलेटेड और मोबाइल से जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फ़ोन को अच्छे से डिसेंबल करना है, जो कि मैंने देख लीजिए पूरा फ़ोन डिसेंबल करके रखा हुआ है, देख लीजिए। तो डिसेंबल करने के बाद आपको सिंपली दोस्तों करना क्या है, आपको जो इसकी क्रोम है उसकी सफाई कर देनी है क्रोम की। और ये रहा मेरे पास इसका न्यू फोल्डर, तो ये देख लीजिए। तो ये इसका जो पुराना फोल्डर है ये है जो कि पहले भी लगाया हुआ है, ये तो ओरिजिनल नहीं है ये। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये पूरा क्रोम अच्छे से साफ कर देना है दोस्तों, और उसके बाद ग्लू डाल देना है। दोस्तों अच्छे से देख लेना है आपको कि ग्लू डला है कि नहीं डला है, ज़्यादा भी मत डालिए लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक डालिए इसमें। ग्लू डालने के बाद आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, जो यहाँ इसकी ये जो ये आपको पन्नी निकाल देनी है। ये स्टिकर दोस्तों रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ से ऐसे इसको इस तरीके से आपको पूरा फिट कर देना है। दोस्तों इसमें ये एक अलग से पत्ता रहता है जो आपको कनेक्ट करना रहता है यहाँ पे। तो उसके बाद ये इसका चार्जिंग का पॉइंट है, पत्ता है, तो आपको ये लगा देना है और ये वायर लगा देनी है आपको। दोस्तों ये आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में करना होगा। ये लगाने के बाद आपको बैक पैनल लगा लेना है, जो बैक का ये रिंगर डिब्बी होती है इसको लगा लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फिट करने के बाद चेक जरूर कर लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।